नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की कृपा प्राप्ति हेतु त्रिदिवसीय होमात्मक एक परीक्षित दिव्य प्रयोग लेकर प्रिय दर्शकों वर्तमान समय में शारदीय नवरात्रि का यह काल चल रहा है मां भगवती जगत जननी की आराधना आप सभी कर रहे हैं हर वर्ष मैं मां भगवती की आराधना हेतु कोई ना कोई दिव्य प्रयोग भी आपको बताता रहता हूं इस वर्ष का जो प्रयोग लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं यह प्रयोग अपने आप में संपूर्ण है आप चाहे किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हों यहां तक कि विद्यार्थी से लेकर और मोक्ष की कामना रखने वाला हर कोई ये प्रयोग कर सकता है संतान की कामना से लेकर विवाह की कामना तक हर कोई ये प्रयोग कर सकता है ऋण की मुक्ति की कामना से लेकर व्यापार प्रारंभ हो जाए अपना खुद का कार्य हो जाए मां लक्ष्मी की कृपा हो जाए हर कोई यह कार्य कर सकता है चाहे वह एक छोटा विद्यार्थी हो चाहे नौकरी कर रहा कोई बड़ा अधिकारी सबके लिए यह प्रयोग है जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही कहा यह प्रयोग परीक्षित अनुभूत है प्रिय दर्शकों यह प्रयोग त्रिदिवसीय है सप्तमी अष्टमी नौमी अर्थात बारह तेरह और चौदह इन तीन दिनों में इस प्रयोग को संपन्न करना है लेकिन यह प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा ग्यारह तारीख से ही प्रिय दर्शकों अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो पिछले वर्ष एक बिल्व युग्म बिल्व का जो बिल्व पत्र भोलेनाथ पर चढ़ता है उसमें से बिल्व फल जो होता है उस बिल्व फल का मैंने एक प्रयोग आपको बताया था इस बिल्व फल को श्रीफल भी कहते हैं प्रयोग को आपने किया बहुत सारे दर्शकों ने किया मुझे तस्वीर भेजी उनको लाभ हुआ वो आपने बताया ये ज़्यादा बताने का विषय नहीं क्योंकि मैंने खुद इस प्रयोग को नहीं बताया माँ लक्ष्मी की कृपा सबको मिले अगर हमारे ऋषियों ने ऐसा ज्ञान दिया तो मैं एक बस छोटा सा माध्यम बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ प्रयोग को एक बार समझ लीजिए बहुत सरल प्रयोग है जिनको करना है नहीं करना बहुत कठिन है आपके लिए आप सुन लीजिए इच्छा हो तो कर लीजिएगा नहीं तो बहाने तो हैं ही वो आप मुझसे बनाइए या खुद से हां अगर आप कष्ट में हैं अगर आप परेशानी में हैं तो फिर कोई बहाना मत करिए सीधा मां जगत जननी की शरण में आ जाइए आपकी समस्या बहुत छोटी होगी मैं जानता हूं बहुत छोटी समस्या है आपकी और मां की कृपा बहुत बड़ी प्रयोग क्या है प्रिय दर्शकों प्रयोग बिल्कुल वही है पिछले वर्ष वाला सबसे पहले आपको कहीं भी ऐसे बिल्व वृक्ष की तलाश करनी है जिसमें युग्म एक ही डंठल में जुड़े हुए दो बिल्व आपको दिखाई पड़े बिल्व फल जिसे मैंने अभी भी कहा श्रीफल आपको दिखाई पड़े ढूंढने पर कुछ भी मिल सकता है बहुतों को मिला सबको मिलेगा आप शहर में हो तो गांव में हो तो कहना ही नहीं अवश्य ही मिलेगा एक बात आपको बता दूं कि बिल्व का वृक्ष हो तो उस पर यह बेहद आसानी से आपको मिल जाना चाहिए एक ही डंठल में जुटे हुए दो बिल्व फल ये साक्षात मालक्ष्मी है यह युग्म रूप में आपको सीधा लक्ष्मी की ही कृपा प्राप्त होने वाली है आपको जैसे मिल गया कहीं दिखाई पहले पड़ जाए अभी समय है ग्यारह तारीख से इस प्रयोग को प्रारंभ करना है अब आपने कहीं भी देख करके रख लिया कि कहां पर यह वृक्ष है इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले उस बिल्व फल को निमंत्रित करना होगा और वो विधि क्या है तो प्रिय दर्शकों जरा ध्यान से समझिए इस बार निमंत्रण का जो समय है वो प्रातः काल है और बहुत थोड़े समय के लिए है सवा छः बजे तक मात्र छः बज करके पंद्रह मिनट तक ही आप निमंत्रण की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं निमंत्रण कैसे होता है मेरे दर्शक जानते हैं स्नानादि से निवृत्त होकर के अपना पूजा पाठ इत्यादि जो करना है कर लीजिए नहीं बाद में आकर के भी करिएगा पात्र में जल ले लेना है सुपारी चावल और एक सिक्का और पान भी हो तो ज्यादा अच्छा है पान सुपारी चावल और एक सिक्का यह सब लेकर के आप जहाँ आपने देख रखा है कि ऐसा युग्म फल, जोड़ा फल वाला श्रीफल वाला कोई वृक्ष आपके आमने सामने है कहीं भी दिखाई पड़ गया है तो आप प्रातः काल ही चले जाइए एक पात्र में लोट, लोटे में जल ले लेना है और ये सारी चीज़ें ले लेनी है और चले जाइए जाकर के जो जल आपने लिया हुआ है वो जल उस वृक्ष की जड़ में चढ़ा दीजिए पान पर सुपारी अक्षत और सिक्का रख कर के वहीं बैठ जाइए दो मिनट के लिए और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए हे भगवती जगत जननी हे माँ लक्ष्मी मैं बहुत कष्ट में हूं आप अपनी कष्ट अपनी परेशानी को मां से बताइए वहीं पर याद रखिए साधक की साधना प्रारंभ श्रद्धा से होती है और श्रद्धा और विश्वास हो तो समझ लीजिए कि साधना वहीं से फलीभूत होना प्रारंभ हो जाएगी फिर आपके मार्ग की देखिए जब भी आप किसी साधना को करने चलते हैं तो सबसे पहले तो परेशानियां आने लगती हैं तरह तरह की परेशानियां ऐसी परेशानियां कि आप पार ही ना कर पाए और जब आप उसको पार कर जाते हैं तो साधक के साथ साक्षात परमात्मा खड़े हो जाते हैं साधक का हाथ पकड़ लेते हैं अब आप वृक्ष के सम्मुख बैठ करके अपनी जो भी कहानी है जो भी कष्ट है परेशानी है वही बिल्व वृक्ष के नीचे कहिए फिर इसके पश्चात बिल्व वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिए एक परिक्रमा और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके कहिए हे भगवती मैं आपके इस युग्म फल को लेना चाहता हूं मुझे चाहिए आपकी कृपा चाहिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें मैं ये युग्म फल जिस युग्म फल को आपने देखा है मन ही मनुष्य का ध्यान करिए मैं आपसे इसे मांग रहा हूं मेरे हित को देखते हुए मैं जिस कष्ट से गुजर रहा हूं उससे मुक्ति हेतु आप अपनी कृपा प्रदान करें वैसे ही याद रखिएगा हनुमान जी ने जैसे जाकर के संजीवनी बूटी कैसे लेना था प्रार्थना पहले करनी थी जब तक प्रार्थना नहीं किया तो ये वनस्पतियां अपना प्रभाव विलुप्त कर लेती हैं और जैसे ही आपने प्रार्थना किया तो वनस्पति अपना स्वतः प्रभाव आपको दिखा देती है इसके पश्चात आपने जैसे ही प्रार्थना कर लिया आप कह दीजिए कि मैं आकर के आपको सायंकाल ले जाऊंगा इस वर्ष बहुत बढ़िया समय है क्योंकि सोमवार का दिन है और सायंकाल माँ लक्ष्मी को आपको लाना है देखिए आम तौर पर देखा जाए तो आदि को तोड़ने का समय नहीं होता है सायंकाल नहीं ही तोड़ना चाहिए लेकिन एक सामान्य धर्म होता है एक विशेष धर्म एक सामान्य नियम होता है एक विशेष नियम और विशेष नियम यह कहता है कि जब कोई विशेष तिथि है कोई पक्ष है जैसे रात्रि में पूजन वर्जित है रात्रि में स्नान वर्जित है नदियों में लेकिन ग्रहण होता है तो स्नान करते हैं शिवरात्रि के दिन में रात रात्रि में ही भोले बाबा की खूब आराधना होती है तो ये विशेष काल है तो आप सुबह आपने ये कर लिया बिना किसी से बातचीत किए हुए घर आ जाइए अब आपको सायंकाल चूंकि मैंने क्या कहा है कि 11 तारीख से ही प्रयोग प्रारंभ हो जाएगा सायंकाल आपको जाना है एक लाल रंग का कपड़ा भी साथ लेते जाइए और हो सके तो ढकने और छुपाने के लिए कोई हैंडबैग झोला वगैरह कुछ भी लेकर के चले जाइए किसी को दिखाई ना पड़े गुहियाति गोप तीतम ये कैसी है तो गुह नहीं गुहिय से भी अति गुहिय जितना हो सके गोपनीय होना चाहिए किसी की जानकारी में ना आए याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा नजर इन्हीं तंत्र मंत्र के प्रयोगों में भगवती में ये साक्षात जैसे ही अब आप लेने जा रहे हैं यूं समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी को आप लेने जा रहे हैं मां भगवती जगत जननी को अपने घर लेकर लेने जा रहे हैं तो किसी की नजर ना लगे लाल रंग के वस्त्र में वृक्ष पर चढ़ना ये सब सारी प्रक्रिया तो आप समझ ही गए हवा में तो आएगा नहीं कोई चढ़ेगा चढ़ करके उतारेगा ध्यान रखें कि इस क्रम में डंठल से दोनों अलग न हो जाएं ये बहुत सावधानी के साथ काम करना है ये साधना का क्रम है और साधना का क्रम इतना ही आसान नहीं होता कि बस चुटकी बजाओ और सब कुछ ठीक कठिन होता है तो दोनों फल अलग न हो जाए इस बात का ख्याल रखना है तो डंठल सहित निकाल लीजिए दोनों युग में एक ही में जुटे रहें इसके पश्चात लाल रंग के कपड़े में ढक करके और जैसे भी आप जिस झोला इत्यादि थैले में जैसे भी ढक करके छुपा करके ला सकते हो घर ले आइए घर लाने के पश्चात आप साक्षात आपके घर में माँ लक्ष्मी आ गई हाथ पांव सबसे पहले पूजन स्थल पर जाकर के रख दीजिए हाथ पांव धो लीजिए नहा लीजिए अगर नहाना चाहते हैं तो और साफ वस्त्र पहन करके जो भुवन भास्कर की आराधना के लिए आप वस्त्र धारण करते हैं वही लाल रंग का वस्त्र पहन लीजिए और आज थोड़ा सा पूजन आपको करना होगा माँ जब घर में आई हैं तो ऐसे तुला करके रख नहीं सकते हैं तो पहले उनको जल से या गंगा से धूल स्नान करा दीजिए थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए इसमें किसी तरह के कोई आवाहन की आवश्यकता नहीं है साक्षात जब माँ लक्ष्मी आई है तो यहां आवाहन अब कोई नहीं करना बस सीधा पूजन करना है चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप दिखा करके प्रार्थना करके बस आज का प्रयोग हो गया आज पंचो पचार पूजन करके आपने छोड़ दिया अब प्रयोग शुरू होता है सप्तमी अष्टमी नौमी तीन दिन के लिए प्रिय दर्शकों जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा यह होमात्मक प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं मैं सदैव कहा करता हूं बताया करता हूं कि देवता शीघ्र नहीं शीघ्रातिशीघ्र हवन से प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो उन्हें सीधा सीधा उनके मुख में वो भोजन जाता है इस प्रयोग में हवन करना है तीन दिन तक एक मंत्र बहुत छोटा सा पूर्व में भी इस मंत्र का जिक्र मैं आपके सम्मुख कर चुका हूं मंत्र बता देता हूं और हवन की प्रक्रिया इस हवन की प्रक्रिया में कोई भी हवन से संबंधित सामग्री नहीं लगेगी सिवाय घी छोड़ करके घी से केवल हवन करना है अब आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमारे पास ये व्यवस्था ही नहीं है कि मैं हवन कर सकूं जिनके पास नहीं है वो हवन के स्थान पर मंत्र का जप करें एक और बात अब यहीं पर रुक करके वो सारे लोग जो ये कहते हैं कि मेरे पास वृक्ष नहीं है मुझे नहीं मिल पाएगा उन सभी लोगों के लिए वृक्ष की जगह फिर आपके लिए मंत्र है त्रिदिवसीय आपको मंत्र जप करना है हो सके तो हवमात्मक करिए नहीं तो मंत्र जपिए याद रखिएगा अब आप यह सोचें कि एकदम आसानी से हिंग लगे ना फिट करिए और रंग भी चोखा हो जाए ऐसा नहीं होता ऐसा नहीं होता तो या तो आप प्रयोग पूरा करें या तो बिलोवृक्ष आपके पास वो नहीं है तो फिर त्रिदिवसीय होमात्मक करिए और जिनको सब मिल गया यानी बिलोवृक्ष भी मिला कहना ही नहीं निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं कि आप भाग्यवान हैं कहीं कोई संशय नहीं कि मैं कह सकता हूं आप भाग्यवान हैं तो अब प्रयोग यहां से सभी के लिए जिनको मिला वृक्ष ठीक नहीं मिला उन सब के लिए मंत्र बेहद छोटा ओम ह्रीम समय भी देखना पड़ रहा है बहुत लंबा वीडियो ना बन जाए ओम ह्रीम श्रीम नमः ओम ह्रीम श्रीम नमः मंत्र मैं लिख करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां से ले लीजिएगा यह मंत्र तो आपको पहले से ही याद होना चाहिए प्रयोग क्या है ग्यारह सौ मंत्र प्रतिदिन बहुत आसान है बहुत ग्यारह सौ मंत्र इसको जपने के लिए ज्यादा से ज्यादा कम अभ्यास हो तो आधा घंटा तीस मिनट बहुत होता है अभ्यास हो तो बीस मिनट या पच्चीस मिनट में हो जाएगा तीनों दिन ग्यारह 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 तैतीस अब उन सभी लोगों के पास जिसके पास हवन की व्यवस्था है उनको मंत्र नहीं जपना फिर बहुत आसानी से संभव है 1100 आहुति आहूति डालना कैसे होगा श्रद्धा इसी का नाम है पति पत्नी दोनों बैठ जाएं कोई और नहीं घर का कोई बच्चा बैठ जाए कोई भी बैठ जाए एक आदमी मंत्र बोलता रहे और गिनता रहे और एक आदमी जो साधक साधना कर रहा है पिता माँ कोई भी वो हवन डालती रहे और मन ही मन मंत्र भी बोलते रहे समझ में आ गया एक आदमी बैठकर के मंत्र को गिनता रहे और बोलता रहे और दूसरा आदमी मंत्र मन ही मन बोलता रहे और हवन डालता रहे चम्मच से शुरुआत से शुरुआत हर किसी के पास नहीं होगा तो चम्मच तो हर घर में है चम्मच से या आम की लकड़ी में आम का पत्ता बांध करके उससे कर, कर दीजिए बहुत आसान है आपको गाय का गोबर का उपला मिल जाएगा उसी उपले को जला लीजिए और उसी उपले पर केवल घी डालना है घी डालेंगे वो जलता रहेगा मैंने जैसा कहा था ये परीक्षित अनुभूत प्रयोग है तीन दिन ग्यारह ग्यारह सौ के हिसाब से तैंतीस सौ आहूति आपको डालनी है तैंतीस सौ आहूति डालने का मतलब सुनने में ये बहुत ज़्यादा लगता है लेकिन ये बहुत कम है ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो आप मान के चलिए कि एक के जी या अगर ध्यान से धीमा रफ्तार रख करके डाला जाए तो आधे के जी घी में हो सकता है वैसे एक के जी घी रख लीजिए कि लगेगा तो गाय के गोबर का उपला कहीं से व्यवस्था कर लीजिए लकड़ी में धधक ज्यादा तेज होगी तो कम से कम में मैंने क्या कहा कि यह बेहद आसान है कि कोई फ्लैट में रहता हो वो भी कर ले ना बहुत ज्यादा बाहर धुआं फैले न किसी को पता चले फिर से ध्यान रखिएगा सुनने में ग्यारह सौ आहूति बहुत लगती है लेकिन जब करने लगेंगे तो बिल्कुल ठीक आहूति डालने में भी आपको वही 40 से 42 मिनट का टाइम लगेगा तीन दिन करना है और फिर मैं कहना चाहता हूं रिजल्ट आपके सम्मुख होगा यह प्रयोग परीक्षित है और आप इसे करके रिजल्ट दीजिए प्रिय दर्शकों जो सभी लोग नहीं कर सकते हवन वो केवल मंत्र जब कर लेंगे जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा बाकी जिनको सब कुछ मिल गया है वो सब कुछ करें भाग्य आपके साथ होगा मां की कृपा आपको मिलेगी और प्रभाव दावे के साथ क्योंकि मैंने जैसा कहा परीक्षित प्रयोग है कर लीजिएगा बाकी इसके बाद अब आपके मन में प्रश्न हर बार उठाते हैं वही कि अब बिल्व का क्या करें पूजन पूर्ण होने के बाद चाहे तो वर्ष पर्यंत रख करके वहीं ये मंत्र से ही सारी साधना होगी बिल्व वृक्ष के समुख जो फल है उन्हीं के सम्मे साधना सारी हो रही हैं तो ये ध्यान रखिए कि पूजन पूर्ण होने के बाद आप चाहें तो उस फल को प्रवाहित कर सकते हैं या वर्ष पर्यंत रख करके पूजा कर सकते हैं साक्षात वो लक्ष्मी है आप कपड़े से लपेटे रखिए खुले में मत रखिए तो वृक्ष से वो डंठल से अलग अलग भी हो जाएंगी तो आपको कोई दोष नहीं सूख भी जाए तो कोई दोष नहीं लेकिन कपड़े में हमेशा लपेटे रखिए दिखाई ना पड़े और जिनको लंबे समय तक नहीं रखना वो चाहे तो तीन दिन के पश्चात पूजन पूर्ण हुआ जा करके जैसे बाकी की नवरात्रि की सारी चीज़ें जयंती इत्यादि प्रवाहित होती हैं या कहीं वृक्ष के जड़ में आप डालते हैं वैसे इन्हें भी आप प्रवाहित या जड़ में डाल सकते हैं तो बाकी कुछ और नहीं करना यह प्रयोग चूंकि पूजन की सारी विधियां मैंने नहीं बताई हैं केवल हवन की विधि बताई क्योंकि पूजन की विधि बताने का मतलब है समय व्यर्थ कराना आप सभी लोग जानते हैं संकल्प लेकर के पूजा कैसे किया जाता है बस अपना संकल्प लीजिए और पूजा करिए इजाजत दीजिए आशा करता हूं यह प्रयोग आपके समझ में आ गया होगा केवल समझ में नहीं आया होगा आप करेंगे करेंगे तो आपको लाभ होगा और मेरा यह जो समय है इसका सदुपयोग होगा यह व्यर्थ नहीं जाएगा तो इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा और एक छोटी सी प्रार्थना आपसे करूंगा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि अब समय तो निकल गया आज मैं देख रहा हूं अब क्या करूं तो आप जितना हो सके इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते ये मेरे लिए कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को इजाजत दीजिए नमस्कार